वेलकम टू GS क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्जाम न्यूज आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GS क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RPSC का जो इंटरव्यू होता है, चाहे वो RAS का हो चाहे अन्य पोस्ट्स के लिए हो, मुख्यतः मैं RAS की बात करूंगा यहाँ पर, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह से आपके पास लेटर आता है RPSC का, उसके बाद आपको DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और अपनी जो पोस्ट्स है उनकी प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस तरह से आपको एक लेटर इशू किया जाता है RPSC के द्वारा इंटरव्यू की डेट के लिए, और आपके पास मेल भी आता है इस संबंध में, अगर आपने मेल आईडी दे रखी है और फोन नंबर पे भी सूचना आती है। तो इस तरह का ये लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, यहाँ पे देख लीजिए, डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू लिखा होता है और सब्जेक्ट के बारे में लिखा होता है। और यहाँ पर एक बात खास लिखी होती है कि यू आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड ए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर इंटरव्यू। मतलब आपको जो DAF है, जो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके भरना होगा, उसको यहाँ पर लेके जाना है, साथ में आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है। तो ये सब आपको ले जाने कंपलसरी होते हैं। इसके साथ यहाँ पे बता रखा है कि एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगता है ₹50 का, पेएबल टू सेक्रेटरी RPSC। तो ये वहां पर ही, जो RPSC के परिसर में ही डाकघर है, तो वहां पे ये आप ₹50 का पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं या अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, जो कि RPSC सेक्रेटरी के नाम पे दिया होगा। तो सबसे पहली बात कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या लेके जाना है, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, और उसके साथ साथ ₹50 का पोस्टल ऑर्डर जो RPSC सेक्रेटरी के नाम पर होगा, वो आप RPSC के परिसर में जो डाकघर है वहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें लिख रखा है कि ऑल द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मेड सेम एज फिल्ड अप बाय यू इन द OMR शीट प्रीवियसली। मतलब आपकी सारी डिटेल जो आपने पहले दी रखी है RPSC को, उससे सारी मैच करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको लेटर इशू किया जाएगा, और इसमें लास्ट में लाइन लिखी जाती है कि इंटरव्यू डेट शैल नॉट बी चेंज्ड इन एनी केस। तो इस तरह से लिखा जाता है कि इंटरव्यू डेट बदली नहीं जाएगी, फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आप RPSC को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप नहीं आ पाएंगे, तो उस हिसाब से उस केस को कंसिडर कर लिया जाता है। पर सामान्य स्थितियों में इंटरव्यू की डेट चेंज नहीं की जाती है। तो इसके बाद आपको DAF जो RPSC के वेबसाइट पे लिंक आ जाता है, वहां से आपको डाउनलोड करना होता है, और डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको डिटेल एंट्री भरनी होती है। तो देखिए, कुछ इस तरह का प्रारूप है, ये 2016 तक चलता आया है, तो 2018 में कुछ चेंज होंगे तो वो अलग बात है, पर फिलहाल इसी पैटर्न पे आज तक RPSC में ये चलता है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र शुल्क ₹50 के विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क हेतु आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है, और उस पर डिटेल DAF में आपको ये सूचना संलग्न करनी है पोस्टल ऑर्डर की। यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, तो आयोग में नकद राशि भी जमा करा सकते हैं। तो अगर आपके पास व्यवस्था नहीं होती है उस समय, तो आप वहां पे जाके RPSC में ₹50 कैश भी दे सकते हैं। आवेदन पत्र को भरना, तो आवेदन पत्र को भरने के लिए जो निर्देश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिए कि आवेदक पत्र स्वयं के हस्तलेख से ही भरे। सबसे पहली बात, ये टाइप्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, निर्देशानुसार बिना किसी प्रकार की काट छांट के भरा जाए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप में कटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि DAF की 2-3 कॉपी निकलवा लेनी है, और उसको पहली कॉपी को पेंसिल से भर के देखना है और चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है, और फाइनल होने के बाद उसे पेन से भरिए। प्रत्येक कॉलम में चाहिए गई सूचना पूर्ण स्पष्ट हो, सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिंदु के द्वारा नहीं, प्रत्येक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। तो आपको कोई भी ऐसी एंट्री जो आप पर लागू होती है और आप उसे भर नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना करें, आप पे जो लागू नहीं होता उस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, तो आप साइंस का विशेष ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे आपके साइन की जरूरत है वहां पे साइन करेंगे। और आवेदन पत्र में
की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में सुधार नहीं होता। समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता या विशेष छूट या लाभ के दावे जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी संबंधी प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। तो आपको देखिए, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही जाने हैं, पर जब आप ये DF की कॉपी भेजते हैं तो स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां इसके साथ जरूर भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, विज्ञापन जारी दिनांक होने के पश्चात का खींचा हुआ, मतलब जब RPSC की वैकेंसी निकली थी उसके बाद का खींचा हुआ, निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए, तो ये बात लागू नहीं होती यहाँ। आवेदक द्वारा विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र नवीनतम फोटो आदि के साथ आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक किसी भी माध्यम से, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से जमा करवाएं चाहे रजिस्टर डाक द्वारा, पहुंच जाना चाहिए। और निर्धारित अवधि तक जमा नहीं कराते हैं तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन पत्र की फोटो प्रति खींच के रख लेनी चाहिए, मतलब आप जो भेज रहे हैं उसकी आप फोटो रख लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पर बातें हैं वो है कि प्रमाण पत्र की, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, तो योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तो ये सब बातें आप इसमें जानते ही हैं, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। इसमें खास बात यह है, यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें। ठीक है, इसके बाद जो नॉर्मल बातें हैं, आयु का प्रमाण पत्र और आयु के छूट संबंधी नियम, ये सभी आपको यहाँ पर पता है। आचरण, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे लगता है। अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। तो देखिए, अभी आपके पास टाइम है, आपने लास्ट अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहां से की है तो वहां से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की यहां पर प्रतिलिपि भी लगती है। अगली बात देखिए इंपॉर्टेंट, कि स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें। मतलब उनको एजुकेशनल वाला चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भेजना है, जो परमानेंट है गवर्नमेंट जॉब में सरकारी में, उनको सक्षम अधिकारी उनके ऑफिस में जो सीनियर द्वारा दिया जाए वो भेजना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की स्थिति है, तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप डिटेल में इसमें देख सकेंगे। इसके बाद निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्थिति है, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र है। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र में देख लीजिए कि अगर आप जॉब में हैं तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव यदि कोई हो तो वो भी संबंध करें। इसके बाद आपका विवाह संबंधी प्रमाण पत्र है, यदि आप विवाहित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें। और जो सेवारत अभ्यर्थी हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजना चाहिए और इस संबंध में अपने नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष को सूचित कर देना चाहिए। इसके बाद आपको NOC लेके भी जाना है जो जॉब में है, ध्यान रखिएगा। वह साक्षात्कार से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष से NOC प्राप्त कर आयोग कार्यालय को अवश्य भेजें। तो अगर आपने अभी तक अपने डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली है इंटरव्यू देने की, तो आप ये परमिशन ले लें और NOC प्राप्त करके यहाँ पर आपको भेजनी पड़ेगी। इसके बाद राष्ट्रीयता की बात है, नॉर्मल बात है, यात्रा भत्ता। अब देखिए यहाँ पे खास बात है कि जो अभ्यर्थी अजमेर से काफी दूर से आते हैं उनको RPSC इंटरव्यू के बाद यात्रा भत्ता भी देती है। इसके लिए आपको वो वहां पर इंटरव्यू के समय पे ही सूचित कर देते हैं कि आप उनसे मिलके जाइएगा, और उसके बाद वो आपसे दूरी पूछते हैं कि आप कितने किलोमीटर की दूरी पे आए हैं और उसके हिसाब से आपको किराया दिया जाता है। और इसमें ये खास बात है कि ये राजस्थान के बेरोजगार आवेदकों को उनके निवास स्थान से साक्षात्कार तक स्थान तक साधारण बस का किराया दिया जाता है। उसमें आपको टिकट प्रस्तुत करने की वैसे सामान्यतः जरूरत नहीं होती है, इन्होंने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद ये कुछ निर्देश है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। तो अगली बात यहाँ पे करते हैं DAF की, तो DAF का कुछ इस तरह से प्रारूप होता है। तो यहाँ पे देखिए, जिस पोस्टल ऑर्डर की बात की गई थी वो आपका इस कॉलम में लगता है, ₹50 का पोस्टल ऑर्डर। और यहाँ पे आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो DAF में आपको यहाँ लगानी है, इस पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। आपका यहाँ पे रोल नंबर आएगा, रोल नंबर के बाद यहाँ पे आपका आवेदन पत्र क्रमांक, मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको पता होगा एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर मेरिट क्रमांक ये आपको भी छोड़ देना है, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट का नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आयोग का विज्ञापन देख लीजिएगा 2018 का, उसकी विज्ञापन संख्या आ जाएगी,
पदक्रम कोड आ जाएगा, पद का नाम ये सब विज्ञापन में होंगे, आप देख लीजिएगा, और विभाग का नाम यहाँ आरपीएससी लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आरक्षण वर्ग के बारे में सूचना मांगी गई है, तो सामान्य है तो पिछड़ा वर्ग है, इस तरह से आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर मूल निवास और जन्म स्थान के बारे में सूचना मांगी गई है कि आपका मूल निवास क्या है, राज्य, जिला, तहसील और अन्य टिप्पणी, इसके हिसाब से जन्म स्थान के बारे में सूचना मांगी गई है, तो ये आपको सूचना यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद आपके लिए महिला, निःशक्त जन या भूतपूर्व सैनिक, इन कैटेगरी पे चिन्ह करने के लिए मांगा गया है। अगर आप यस हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी सभी कॉलमों में आप क्रॉस का निशान यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे सेवारत कर्मचारियों के लिए कॉलम आता है कि राज्य सेवा के कर्मचारी हैं या विभागीय अराजपत्रित मंत्रालय, तो यहाँ पर आप हाँ लिख सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना है आपको और अंग्रेजी में लिखना है, और ये ध्यान रखिएगा केवल ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर्स में ही नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, माता का नाम लिखें, आवेदक की जन्म तिथि लिखें, आपकी आयु लिखें। विज्ञप्ति में जो नोटिफिकेशन में आयु मांगी गई है उस डेट के हिसाब से आपको आयु कैलकुलेट करनी है, तो 2018 का नोटिफिकेशन है तो उस हिसाब से आपको अपनी आयु कैलकुलेट करके यहाँ लिखनी है। नागरिकता, धर्म, वैवाहिक स्थिति को बताना है, विवाह होने की स्थिति में आपको अपने स्पाउस का यहाँ पे डिटेल भरना है, पति पत्नी, विवाह तिथि, विवाह स्थान, पंजीयन संख्या। इसके बाद आपको संतान का विवरण भरना है, ठीक है। इसके बाद कुल संतान संख्या बतानी है 1/6/2002 से पूर्व और 1/6/2002 के पश्चात। इसके बाद आपका पत्र व्यवहार का पता आ जाएगा, स्थायी निवास का पता आ जाएगा और शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी भरनी है। देखिए कॉलम बहुत छोटे हो जाते हैं पर इसी में आपको एडजस्ट करके छोटा छोटा लिखना है। मैट्रिक और हाई सेकेंडरी आपके प्राप्तांक, आपने मतलब कितने अंक प्राप्त किए, कुल कितने अंक थे, तो उसको बटा में करके आप लिख सकते हैं, जैसे 400/600। और प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांकों का प्रतिशत जो भी बनता हो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपकी फर्स्ट ग्रेड थी, सेकंड ग्रेड थी, यहाँ आ जाएगा। आपने कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया, उस समय सब्जेक्ट क्या क्या थे, मतलब आपके टेंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो छोटा छोटा करके आप भर सकते हैं, जैसे SST, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरह से आप भर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, है ना, छोटा छोटा उनके इनिशियल्स लिख के। कोर्स की अवधि 1 साल, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम और प्रयासों की संख्या, अगर आप फेल नहीं हुए तो एक प्रयास में हो जाएगा। इस तरह से आप टेंथ का, ट्वेल्थ का, आपकी जो भी UG है, उसके बाद आपकी PG है, उसके बाद अगर आपने BEd कर रखी है, आपने NET कर रखी है या अन्य कोई उपाधि डिप्लोमा है, तो इनकी सभी की इसी प्रारूप में आपको जानकारी चाहिए और इसे आप छोटा थोड़ा इनिशियल्स में भर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको सोचना नहीं है कि इतनी जगह में कैसे भरूंगा मैं। इसके बाद आपकी बात करें, अगर आपकी इंटर्नशिप लागू होती है, इस तरह का आपने कोई कोर्स किया है, प्रोफेशनल की इंटर्नशिप लागू होती है, तो उसकी सूचना आप यहां भरेंगे, रजिस्टर विवरण भरेंगे जो अगर आप पे लागू होता है तो पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, पर RPSC के लिए, RAS के लिए कोई पद संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। तो देखिए इन कॉलम्स को खाली छोड़ा जा सकता है क्योंकि ये आप पे लागू नहीं होते, जो लागू होते हैं उसे आप खाली नहीं छोड़ सकते, जो शुरू में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था। इसके बाद विस्तृत सूचना, आपने सूचना से भिन्न काम किया था उसका पूरा विवरण भी यहां पर दे दें। फिर इसके बाद आप आयु सीमा में छूट जाते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट जाते हैं, और यहाँ पर आप उस प्रतिलिपि जो लगाएं जिस डॉक्यूमेंट की, उसका नंबर डाल दें कि आपने 1 नंबर पे लगाई है, 2 नंबर पे लगाई है, संलग्नक संख्या, क्योंकि इसके साथ आपको सारे प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां भेजनी है, तो यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए। इसी तरह से कोई विशेष योग्यता अनुभव पुरस्कार है तो उसके लिए डाल दीजिए प्रतिलिपि और उसका नंबर डाल दीजिए। इस तरह से एक शोध पुस्तक, आपने MPhil PhD किया हो या आपको कभी ब्लैक लिस्टेड किया हो, तो इस तरह की सब बातें आप डाल दीजिए। और उसके बाद ये आपके यहाँ पे साइन लेते हैं आपकी घोषणा पत्र के, तो यहाँ पर आपके साइन करने हैं, साइन की जगह को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो संलग्नक संख्या में आपने प्रमाण पत्र लगाए हैं और नंबर दिए थे, तो वहां पे आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या क्या लगेगा। आपकी मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी की यहाँ पे फोटोकॉपी लगेगी, मैट्रिक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा क्योंकि आगे पीछे होते हैं, आगे मार्कशीट होती है, पीछे सर्टिफिकेट होता है। और आपका इसी तरह से ट्वेल्थ का लगेगा, इसी तरह से यूजी का लगेगा, पीजी का लगेगा, और इसी तरह से अन्य जो आपके अनुभव हैं या बीएड, एमफिल, पीएचडी, जो भी अन्य डिप्लोमा है, यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पर दिखाएंगे लास्ट में इस कागज पे। फिर यहाँ पे कार्यालय टिप्पणी है, ये आपको खाली छोड़ देना है, आपके संबंध में नहीं है। यहाँ पर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र के बारे में बात है तो यहाँ पर ये साइन करवा लेने हैं आपको, आवेदक के हस्ताक्षर सहित। फिर आपकी एक चेकलिस्ट आ जाती है लास्ट में, चेकलिस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है, ठीक है, तो इसको आप खाली छोड़ दें।
फिर अभ्यर्थी की आयु, आयु आपकी क्या है, आपकी निर्धारित तिथि को आयु सीमा क्या थी, अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मांगता है, वो आप इसमें से भर देंगे जो पहले की डिटेल है उसे वापिस। फिर अधिकतम आयु सीमा में विविध वर्गों के लिए छूट, ये आपको यहाँ पर भरना है। फिर इस तरह से जो भी आप पे लागू हो। फिर इसके बाद है कार्यालय को होगे तो फिर से यह कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, जहां भी आपको ये दिखे ये कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। और लास्ट में इस तरह से एक अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना है इस DAF के साथ ही, जो अटैच होता है इसके साथ ही ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। यहाँ की आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, यहाँ पर नेम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर। प्लीज इंडिकेट इफ यू हैव एडेड और ड्रॉप्ड एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम। तो यहाँ पर ये भरना है, यहाँ पे वापस आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस आ जाएगा, पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिजाइड फॉर मोर देन वन ईयर ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग 5 years। तो आपको ये भर देना है, आप जहाँ पे रहे हो इसके हिसाब से सूचना। फादर्स की डिटेल भरनी है, नेम भरना है, प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर, परमानेंट हाउस नंबर, उनका प्रोफेशन क्या है और उनका डेजिग्नेशन क्या है, नेशनलिटी आपको भर देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ हो भर देना है, हस्बैंड का भी वाइफ का भी, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है और प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नोम एज ऑफ मेट्रिकुलेशन। तो लगभग ये वही बातें हैं तो आपको यहाँ पे देख लेनी है। फिर यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 years, के लास्ट 15 साल में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ ब्यौरा दे देना है। और इसके बाद इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं काम में रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी, कन्विक्टेड बाय कोर्ट तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी, और नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन। तो यहाँ पे आपके जो पड़ोस में दो व्यक्ति हैं उनका नंबर दे देना है जो आपको जानते हों, तो डेट प्लेस लिख के आपको यहाँ पे फिर से साइन कर देने हैं। तो सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गजेटेड ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पे साइन करवाने हैं कि वो आपको जानता है और आप एंड बिलीव द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम आर करेक्ट, जो आपने सूचना भरी है वो सब कुछ सही है, तो यहाँ पे किसी गजेटेड ऑफिसर के स्टैंप पर सील लग जाएगी। तो इस तरह से ये आपको पूरा DAF फिल करना है। ये DAF मैंने आपको बता दिया है, इस संबंध में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल का लिंक मैंने यहाँ भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी प्रेफरेंस के लिए एक पोस्ट को पूछा जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट को पहले चाहते हैं, तो इसके बाद आपको मिलता है प्रेफरेंस से संबंधित आपका इस तरह का नोटिस और इसको आपको भरना होता है। तो देखिए इसमें जो जो सेवाएं हैं एक से लेकर आपको लगभग 29 सेवाएं यहाँ पे अंकित की गई हैं, हो सकता है कि 29 की वैकेंसी ना निकली हो तो उसे आप छोड़ देंगे, जिस जिसकी सीट्स है जनरल में या आपकी कैटेगरी में उस सीट्स को आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे प्राथमिकता क्रम देंगे, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तो आप इसे अगर पहले नंबर पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक अंकित कर देंगे, अगर आप पुलिस सेवा को एक नंबर पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक अंकित कर देंगे, और RAS को फिर यहाँ पे आप 2 नंबर में अंकित कर देंगे। इसी तरह से राजस्थान लेखा सेवा की अगर हम बात करें, अगर आप इसको रखना चाहते हैं अंदर पहले नंबर पे तो आप यहाँ पर 3 अंकित कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सहकारी सेवा, इसको आप लास्ट में चाहते हैं तो इसे फिलहाल छोड़ दीजिए, तो आप पहले क्या कीजिए इसकी एक प्रतिलिपि बना लीजिए और आप गाइडेंस ले लीजिए कि आपका जो नेचर है वो किस तरह का है ना। अगर आप RAS RPS बनना चाहते हैं तो इसमें तो कोई वैसे संभावना होती ही नहीं कि कोई चेंज करता है, फर्स्ट टू पे लगभग 90% यही भरा जाता है, या कोई RPS बनना चाहता है तो वो उसको फर्स्ट नंबर पे भर देता है। इसके बाद लोग क्या करते हैं, 3rd नंबर पे राजस्थान तहसीलदार सेवा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 20वें नंबर पे, तो इसको यहाँ पर नंबर 3 की कैटेगरी पे डाल देते हैं, तो इस तरह से नंबर 3 पे ये सेवा आ जाती है। फिर इसके बाद वापस आप प्रॉपर में जाके यहाँ पर किसी सेवा को 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, अगर आप चाहते हैं कि अलाइड से पहले उठाया जाए तो वहाँ पे आप लगा देते हैं। तो इस तरह से इन सेवाओं को भरा जाता है, और सेवा को भरने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आप फील्ड जॉब करना चाहते हैं या ऑफिस जॉब करना चाहते हैं। तो इस संबंध में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जहाँ पे मैंने आपको हर पोस्ट के बारे में बता रखा है कि कौन सी जॉब आपकी फील्ड में रहती है, कौन सी आपकी ऑफिस सिटिंग जॉब रहती है, आपकी पीसफुल लाइफ रहती है, और कौन सी 24/7 आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, या अपने आसपास से जो सिलेक्टेड हो चुके हैं पहले उनसे पूछ सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो मेल लिंक है वहां पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ये डाउट भी आप क्लियर कर लीजिए कि आप एलाइड को प्रॉपर में पहले
लगा सकते हैं और बाद में प्रॉपर की सीट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इन सेवाओं को भर देंगे, लास्ट में आपके साइन हो जाएंगे, नाम रोल नंबर आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बार जो प्रेफरेंस आपने भर दी है उसके बाद वो चेंज किसी भी हालत में नहीं की जाएगी। और प्रेफरेंस देखिए ज्यादातर मैटर तभी करता है जब आप टॉप रैंकर्स हों, ठीक है। बाद के टाइम में तो आपको फिर जो रह जाती है सीट वो उस हिसाब से अलॉट कर दी जाती है। फिर भी इसे ध्यान से भरिएगा क्योंकि इसमें चेंजेस बाद में नहीं होते हैं किसी भी स्थिति में। तो ये थी सारी जानकारी कि आपको किस तरह से एक लेटर आएगा, लेटर के बाद आपको DDF मिलेगा और इस तरह से प्रेफरेंस भरने के लिए एक कागज मिलेगा। तो ये तीनों आपको भर के वहाँ पे सबमिट करने होते हैं और इसके साथ साथ आपको जो भेजना होता है उसमें आपको सारी प्रतिलिपियाँ भेजनी होती है। और जब आप जाते हैं इंटरव्यू के दिन तब आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। पोस्टल ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया कि जो DAF के साथ पोस्टल ऑर्डर लगता है वो आप नकद भी जमा करा सकते हैं और वहाँ भी भर भी सकते हैं। और वहाँ पर भी एक और लगता है पोस्टल ऑर्डर, तो वो RPSC के परिसर में जो डाकघर है वहाँ उसे आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो आपको फाइल चेक करके आपको बिठा लिया जाएगा और आपको विभिन्न ग्रुप्स में बांट के बोर्ड के हिसाब से अलग अलग ले जाया जाएगा। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो आगे इंटरव्यू के बारे में जो जानकारी है मैं अगले वीडियो में देता हूँ। और इससे आप में कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल। और इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू से संबंधित क्या क्या पूछा गया है RPSC और UPSC में, तो उसके संबंध में मैंने एक वीडियो की सीरीज बनाई थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया इंटरव्यू के बाद किस तरह की होती है उसके संबंध में भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी जरूर देखिए, वो आपके काम में आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।